कोरोना वायरस ने इतना ज़्यादा इम्पैक्ट कर दिया है इकोनॉमी को कि हर एक चीज़ में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है। जीएसटी में कुछ कन्फ्यूजन अराइज हुई और उसके आंसर्स मांगे गए जीएसटी डिपार्टमेंट से, तो कुछ की क्लैरिफिकेशन हमारे साथ शेयर की गई है थ्रू द सर्कुलर नंबर 138/08/2020, जिसकी डेट है 6 मई 2020। बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है इसमें, जिसमें गवर्नमेंट ने आपके क्वेश्चन के आंसर दिए हैं। आप सभी के लिए ये रिलीवेंट वीडियो है, इसीलिए आपको लाइक करनी है। अच्छी लगे तो शेयर जरूर कर लीजिएगा। आप देख रहे हैं सीए गुरुजी और मैं हूं आपकी दोस्त पूजा। तो इस सर्कुलर का जो सब्जेक्ट है वो है क्लैरिफिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन चैलेंजेस फेस्ड बाय द रजिस्टर पर्सन इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ जीएसटी लॉ। आप सभी को पता है गवर्नमेंट हमारे साथ कोई भी चेंज लाती है तो थ्रू द नोटिफिकेशंस उसे इंप्लीमेंट करती है। तो पास्ट में जो कुछ नोटिफिकेशंस आई, अब ड्यू टू कोविड-19 उनमें डाउट आ रहा था कि उनकी लास्ट डेट क्या है या कैसे वो इम्प्लीमेंट होगी, तो उसी के रिगार्डिंग कुछ इश्यूज और उसके क्लैरिफिकेशन इस सर्कुलर में है, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। पहला जो कैटेगरी है इश्यूज का, वो बाइफर्केट किया गया है फॉर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, यानी जिन पर आईबीसी कोड के अंदर आईआरपी की प्रोसेस चल रही है उनके लिए पहले 3-4 क्वेश्चंस में क्लैरिफिकेशन मांगी है। पहले हम उन्हें जानते हैं, फिर जो नोटिस कुछ और क्लैरिफिकेशन है वो भी इसी सर्कुलर में दी है। 4 पेजेस का सर्कुलर है। जल्दी से हम डिस्कस करते हैं क्या है इश्यूज और फिर गवर्नमेंट ने उनका क्या क्लैरिफिकेशन दिया है। पहला जो इश्यू है वो था कि आईआरपी या आरपी फेस कर रहे हैं डिफिकल्टी टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉकडाउन एंड हैव रिक्वेस्टेड टू इंक्रीज द टाइम फॉर ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द प्रेजेंट 30-डे लिमिट। तो आईआरपी और आरपी को टाइम दिया गया था 30 डेज का टेक अ सेपरेट रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज ऑफ इश्यूएंस ऑफ द नोटिफिकेशन। एक नोटिफिकेशन आई थी 11/2020, 21 मार्च को, उसके हिसाब से बोला गया था कि आईआरपी या सीआईआरपी को सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना है विद इन 30 डेज ऑफ इश्यूएंस ऑफ द नोटिफिकेशन। बट ड्यू टू लॉकडाउन, क्योंकि सब कुछ रुका हुआ सा है, तो अब उनको यही डाउट हुआ कि अगर ये 30 डेज का पीरियड निकल जाएगा तो क्या होगा। तो उन्होंने बोला कि इसको इंक्रीज करिए, 30 डेज का टाइम अब सफिशियंट नहीं है। तो गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन दे दी कि अभी अभी लेटेस्ट एक नोटिफिकेशन आई है 39/2020, जो इशू हुई है 5 मई 2020 को। इन नोटिफिकेशन को आपको डाउनलोड करना है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। उसके हिसाब से टाइम लिमिट टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन बाय द आईआरपी एंड आरपी को एक्सटेंड कर दिया गया है। अकॉर्डिंगली दे शैल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ आईआरपी आरपी या और बाय 30 जून, विच एवर इज लेटर। तो आईआरपी और आरपी के अपॉइंटमेंट की डेट देख लेना, या फिर 30 जून, जो भी बाद में आए उस डेट तक आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। तो ये आईबीसी कोड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशंस हैं जिन पर आईआरपी की प्रोसेस चल रही है। देन आईआरपी के लिए ही एक और क्वेश्चन आया, क्या आईआरपी को उस केस में भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन लेना है जब वो बिल्कुल कंप्लाइड हैं जीएसटी में, यानी जीएसटी की सभी रिटर्न्स को टाइम पे फाइल कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने यह क्लैरिफिकेशन दी, इस केस में जब आपने कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया है रिटर्न्स को फाइल करने में, तो आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। कि अगर आईआरपी और आरपी ने पूरी तरह से रिटर्न्स फाइल कर दी हैं, चाहे वो GSTR 1 है या GSTR 3 भी है, अंडर द रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, तो उनको अलग से फ्रेश रजिस्ट्रेशन अप्लाई नहीं करना है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आया कि कई बार क्या होता है कि आईआरपी एंड आरपी इंटरचेंजेबल हो जाते हैं। दैट क्या होता है, वेयर एन अपॉइंटेड आईआरपी इज नॉट रेटिफाइड एंड अ सेपरेट आरपी इज अपॉइंटेड, वेदर द सेम जीएसटी एन शेल बी ट्रांसफर फ्रॉम आईआरपी टू आरपी। यानी आईआरपी चेंज हो गया और जीएसटी नंबर ले लिया था, तो क्या उसी को ट्रांसफर किया जा सकता है। तो गवर्नमेंट ने बोला है कि हाँ बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हो। इस केस में आप यूज कर लो अमेंडमेंट इन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जिसमें आप ऑथराइज सिग्नेटरी को चेंज कर लो नॉन कोर अमेंडमेंट में जाके। बट अगर आपका प्रीवियस ऑथराइज सिग्नेटरी आपको अपने क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड नहीं कर रहा है, जो न्यूली अपॉइंटेड पर्सन है गेट हिज डिटेल एडिट थ्रू द ज्यूरिडिक्शनल अथॉरिटी एज प्राइम ऑथराइज सिग्नेटरी। पैराग्राफ में ये क्लैरिफिकेशन दी है कि न्यू रजिस्ट्रेशन आपको एक ही बार लेना है, और उसके बाद अगर चेंज होता है आईआरपी आफ्टर इनिशियल अपॉइंटमेंट अंडर आईबीसी, देन इट वुड बी डीम्ड टू बी चेंज ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी एंड इट वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज द डिस्टिंक्ट
distinct person on each every change after initial appointment. यानी कि उनको नया registration बार बार apply नहीं करना है, चाहे IRP या RP बाद में change हो जाए, उन्हें सिर्फ authorized signatory की detail में change कर लेना है, ठीक है? अब बढ़ते हैं other clarifications की तरफ. सबसे पहले जो clarification मांगी गई, वो ये मांगी गई कि जो notification आई थी number 40/2017, जो 23 अक्टूबर को आई थी, उसके हिसाब से एक registered supplier is allowed to supply the goods to a registered recipient. जो कौन है? Recipient कौन है यहाँ पे? Merchant exporter at 0.1% provided that the merchant exporter export the goods within a period of 90 days from the date of issue for tax invoice by the registered supplier. तो जो notification number 40 आई थी, वो ये बोलती थी अगर registered supplier goods supply कर रहा है, ऐसे registered recipient को जो merchant exporter है, वो कर सकता है उसे at 0.1% पे, पर उसकी condition थी कि merchant exporter export कर दे उन goods को within the period of 90 days from the date of issue of tax invoice. But lockdown की वजह से अब लोग चाहते हैं कि हमें बताएं कि अगर ये period खत्म होने वाला हो तो क्या कोई date extension मिलेगी. तो यहाँ government ने बोला है आपको refer करनी है notification number 35/2020 जो इन्होंने beginning of the April में निकाल दी थी. उसके हिसाब से एक paragraph दिया गया था जिसमें बोला था कि जिसको हमने particularly जिसकी date extend नहीं की है तो वो इस पैराग्राफ में फॉल कर सकते हैं, जो होगा एनी पर्सन विच फॉल ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 20th March 2020 टू 29 June 2020 हैज बीन एक्सटेंडेड टू 30th June 2020. तो इस केस में अगर आप इन डेट्स के बीच में फॉल कर रहे हो, यानी इन डेट्स के बीच में इसकी डेट खत्म हो रही है, तो आपकी डेट 30th June तक के लिए एक्सटेंड की जा चुकी है. आप इस नोटिफिकेशन को रेफर कर लेंगे तो अकॉर्डिंगली इट इज क्लैरिफाइड दैट द सैड रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सपोर्टिंग द गुड्स बाय द मर्चेंट एक्सपोर्टर विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ टैक्स इनवॉइस by the registered supplier gets extended to 30th June provided the completion of such 90 days period fall within 20th March 2020 to 29 June 2020. तो अगर इस पीरियड के बीच में आपकी 90 डेज खत्म होने वाले हैं तो आपको मानना है कि आपकी डेट है 30th June 2020. नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन मांगी गई फॉर्म ITC 04 के लिए, जो क्या होता है जब आप गुड्स को डिस्पैच करते हो टू जॉब वर्क और रिसीव करते हो फ्रॉम अ जॉब वर्कर, उसके लिए आपको ITC 04 फाइल करना होता है, ठीक है, ऑन और बिफोर 25th डे ऑफ मंथ सक्सीडिंग दैट क्वार्टर. बट ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ITC 04 फॉर क्वार्टर एंडिंग March 2020 जो पढ़ रही है 25th अप्रैल को, उसके लिए भी क्लैरिफिकेशन मांगी है कि क्या इसकी भी डेट एक्सटेंड हो गई है. तो इसे भी सेम उसी पैराग्राफ में डाला है एज पर नोटिफिकेशन नंबर 35 कि अगर ये फॉल करता है 20th March 2020 to 29 June 2020 की डेट में तो इसकी डेट मानिए आप 30th June है. यानी कि फॉर्म GST ITC 04 अगर आपने अभी तक फाइल नहीं किया था फॉर क्वार्टर एंडिंग March 2020 तो उसकी डेट अब रहेगी 30th June 2020. तो आपको इन पर अगर कंफ्यूजन थी तो आपको इसी सर्कुलर को रेफर करना है. और भी बहुत सारे चेंजेस डेली बेसिस पर आ रहे हैं, चाहे वो GST के हैं या इनकम टैक्स के हैं. कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आप मिस ना करें, इसीलिए आपको हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन पे तो क्लिक करना ही है, साथ ही दिया गया है छोटा सा बेल आइकन, उस पर प्रेस कर लेंगे तो आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं होगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय. लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें सीए गुरुजी चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करें सभी नोटिफिकेशंस के लिए, और ये करना बिल्कुल फ्री है.